नहाने के क्रम में दो बच्चों के डूबने से हुई मौत। घटना बोकारो के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रानी पोखरी स्थित ठाकुर बांध का है। बोकारो सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के रानी पोखरी स्थित ठाकुर बांध में नहाने के क्रम में दो बच्चों के डूबने के मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों तथा पुलिस प्रशासन ने बताया कि बच्चों के शव को तालाब में तैरते हुए देखा गया, जो आसपास के लोगों ने जाकर बताया। इसके बाद खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना पाकर हरला थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और वास्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद छानबीन शुरू कर दी। जहां घटना घटी है वहां पर 2 साइकिल, 3 जोड़ी चप्पल व 3 सेट खोले हुए कपड़े मिले। आशंका 3 बच्चे के डूबने की लगाई जा रही, मगर अभी तालाब में 2 बच्चों का शव मिला है। दोनों बच्चे सेक्टर 9 बटासी स्ट्रीट 18 और 19 के हैं, जिसमें एक का नाम गोरांग, दूसरे का नाम शिवू है, जिसकी उम्र 12 और 14 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई है। आगे पुलिस अनुसंधान कर रही है। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। अभी हमको 10 मिनट पहले पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ घटना घटा है। 2 साइकिल खड़ा है लवारिस में, उसमें 2 बच्चे का डूबने का आशंका है। तो हम अपने गांव का एक बच्चा को बुलाकर अपने स्तर पर इसको निकलवाने का प्रयास। कितना बच्चा होने का शंका है? शंका तो 3 बच्चा का है, क्योंकि 3 चप्पल है, साइकिल 2 है, ड्रेस भी 3 खुला हुआ। कहाँ के हैं ये बच्चे? ये बच्चे अभी 19 स्टेट का पता चला है, उनके घर खबर भिजवाए हैं। लगभग 2:30 बजे हम लोग को सूचना दिया गया कि 2 साइकिल तालाब के किनारे पड़ा हुआ है और चप्पल वगैरह है। इसी सूचना पर पुलिस आई और संदेह हुआ कि आखिर साइकिल काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। बाद में मुखिया जी के सहयोग से स्थानीय गोताखोर कहा जाए उसको घुसा करके चेक कराया गया तालाब में, तो 2 नाबालिग बच्चा का डेड बॉडी निकला है। लगता है कि लोग स्नान करने आए होंगे और किसी कारण से डूब गए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।